बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि आपने फ़लस्तीन पर वीडियो नहीं बनाई, क्या मजाक है? हर 6 महीने बाद, हर साल बाद कंडेम करने की वीडियो बनानी है? क्या इस तरह मुल्क आज़ाद होते हैं? कितनी वीडियोस डाली हैं आपने? कितने मुल्क आज़ाद करवाए अपनी वीडियो डाल के? कंडेम करने से, कंडेम करने से मुल्क नहीं आज़ाद होते। जिस तरह गरीब को खाना खिलाने से गुरबत ख़त्म नहीं होती, इस तरह वीडियोस बना के कंडेम करने से मुल्क आज़ाद नहीं होते। जब तक हमारे अंदर गद्दार बेज़मीर लोग मौजूद हैं, ख़ास तौर पर लीडरशिप, मुल्क आज़ाद नहीं होते। किसी भी मुल्क को फ़लस्तीन बनाया जा सकता है, किसी भी मुल्क को कश्मीर बनाया जा सकता है, इस तरह मुल्क नहीं आज़ाद होते। आपकी आवाज़ उठाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी आवाज़ से सिर्फ एक फ़र्क पड़ेगा कि आप एक अच्छा ईमानदार लीडर अगर चुन सकते हैं तो, गैरतमंद, बाज़मीर। और जब वो लीडर बात करता है, फिर वो मुल्की लेवल पे बात करता है, टॉप लेवल पे बात करता है, इंटरनेशनल लेवल पे बात करता है, फिर ये चीज़ें इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। बनाए वीडियो, कितनी बनाई वीडियोस आपने? कोई वीडियो नहीं डालता, उसको आप लताड़ देते हैं। जब तक आप जैसे लोग झूठों के साथ खड़े हो जाते हैं, हक को हक नहीं कह सकते, तक किसी भी मुल्क को फलस्तीन बनाया जा सकता है। छोड़ें ये मजाक, अपने साथ वीडियोस बनाना, कंडेम करना, हम उसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं, हम उसको बर्बाद कर देंगे, उसके लिए बददुआएं, मस्जिदों में बददुआएं, उधर बददुआएं, क्या हुआ आपकी बददुआओं से? पहले अपने अंदर गैरत पैदा करनी है, ज़मीर को ज़िंदा करना है, हक को हक कहना सीखना है, उसके बाद अपने आप चीज़ें सही हो जाती हैं। स्टार्ट विदन। किसी को बुरा लगा होगा, किसी को अच्छा लगा होगा, लेकिन इसके लिए भी गैरत की ज़रूरत है। आप इमोशनल हैं तो आपको बुरा लगेगा, अगर आप हकीकत पसंद हैं तो आपको समझ आएगी क्या बात हो रही है। वीडियोस डालने से कुछ नहीं होता, आपकी आवाज़ सिर्फ बुलंद करें कोई अच्छा लीडर चुनने के लिए, गैरतमंद, जो कि गद्दार ना हो, तब जाके इम्पैक्ट क्रिएट होता है। वरना करते रहें चैरिटियाँ, गरीबों को खाना खिलाते रहें, जैसे आप गुरबत ख़त्म नहीं कर सके, इस तरह कोई मुल्क भी आज़ाद नहीं करवा सकेंगे। चलता रहेगा इसी तरह, रोते रहें।